आज का ये मेरा ब्लॉग है कि खाटू श्याम जी कैसे जाएं, बस से, कार से, ट्रेन से। मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर हम ट्रेन लेते हैं तब भी मतलब ज़्यादा डिस्टेंस लगता है हमें जाने में ट्रेन से, तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन उसका होगा रिंगस रेलवे स्टेशन, जहाँ से 17 किलोमीटर है खाटू श्याम जी का दरबार। वहाँ से आप या तो टैक्सी ले लें या बस ले लें या अपना कोई भी कन्वीनियंस ले लें खाटू श्याम जी जाने का। तो रिंगस से 17 किलोमीटर है, ये राजस्थान में पड़ता है जो जयपुर से आगे है स्टेशन। अगर बस से आप जाते हैं तो बस से भी लगभग 330 किलोमीटर के लगभग लगता है, 5-6 घंटे का तो ट्रैवल है। अगर दिल्ली से बस लेते हैं तो अगर आप कहाँ रहते हैं उससे डिपेंड करता है। आइदर अगर कार से हम जाते हैं खाटू श्याम जी तो कार से भी लगभग 285 किलोमीटर है, 5-6 घंटे तो लगते ही हैं। मैंने कार से ही लिया था, कार हायर किया था, और दिल्ली से खाटू श्याम जी का तो लगभग मुझे, मैं 6 बजे घर से निकली और 11:30 बजे पहुंची खाटू श्याम जी के मंदिर। और फिर वहां से हम लोग यात्रा किए, वहां पे हमें ये ध्वजा चढ़ाया जाता है खाटू श्याम जी को, और प्रसाद में चूरमा होता है उनका फेमस, वो आपको पता ही है रोटी से बनता है चूरमा जो कि घी में फ्राई करके बनते हैं, वो चढ़ाया जाता है। ये ध्वजा चढ़ाया जाता है खाटू श्याम जी के दरबार में, हाजरी लगाते हैं और फूल वगैरह हर जगह आपको मिल जाएंगे, गुलाब के फूल भी बहुत सारे वेंडर बेचते हैं वहाँ पे मिल जाएंगे। लगभग ये ध्वजा 50 में 200 में 3 ऐसे करके मिलते हैं, और प्रसाद जो है वो लगभग 200 रुपये केजी मिलता है। इसके बाद खाटू श्याम जी का दर्शन करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि उनकी कहानी क्या थी, कैसे खाटू श्याम जी कैसे पॉपुलर थे। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। यह पांडु पुत्र भीम के पौत्र थे, पौत्र मतलब पोते। पौराणिक कथा के अनुसार खाटू श्याम की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। तो ये इनले फेमस है हमारे, मतलब आज के समय में कलयुग में खाटू श्याम जी का पूजा करना चाहिए। इनके दरबार जाने से कहते हैं कि सारे दुख दर्द मिट जाते हैं, एक बार अवश्य जाएं खाटू श्याम जी के दरबार। और मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। वनवास के दौरान जब पांडव अपनी जान बचाते हुए भटक रहे थे, भीम का सामना हिडिंबा से हुआ था। हिडिंबा ने भीम से एक पुत्र जन्म दिया जिसे घटोत्कच कहा जाता है। घटोत्कच से बर्बरिक पुत्र हुआ। इन दोनों को अपनी वीरता और शक्तियों के लिए जाना जाता था। जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध होना था तब बर्बरिक ने युद्ध देखने का निर्णय लिया था। भगवान श्री कृष्ण जब से किसकी तरह है तो उन्होंने कहा था कि वह पक्ष से हारेगा और उसकी ओर ही रहेगा।